रिमझिम बारिश के बीच लगे भोलेनाथ के जयकारे। कुंडेश्वर धाम श्रवण मास की द्वितीय सोमवार को आज शिवधाम कुंडेश्वर में रिमझिम बारिश के बीच लोगों ने भोलेनाथ के जयकारे लगाए। आज श्रवण मास का दूसरा सोमवार जहां भोलेनाथ के दर्शन करने हेतु ब्रह्म मुहूर्त में ही लोगों की लंबी लंबी लाइनें देखी गईं। पिछले सोमवार की अपेक्षा इस बार अधिक लोगों ने आकर भोलेनाथ के दर्शन किए एवं जलाभिषेक कर भोलेनाथ से मनोकामना की। रिमझिम बारिश के बीच महिला एवं पुरुषों को अलग अलग कतारों में दर्शनों के लिए लाइनों में खड़ा कर दिया गया। दर्शनार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन चौकन्न रहा। पुलिस की चौकसी में महिला एवं पुरुषों की अलग अलग लाइनें लगी हुई थीं। उन्हें दर्शन हेतु गर्भ गर्भ में भेजा गया। कतारों में जाते हुए लोगों ने भोलेनाथ को जल फूल बेलपत्री प्रसाद अर्पित कर प्रणाम किया। मंदिर के पुजारी जमुना प्रसाद तिवारी ने बताया कि आज श्रवण मास का दूसरा सोमवार है। जिन श्रद्धालुओं को अभिषेक कराने थे वह तीन पालियों में सुबह 8 बजे से एवं 11 बजे से एवं 1 बजे से तीन पालियों में आज भोलेनाथ का जलाभिषेक कराया गया एवं आज शाम को भोलेनाथ का श्रृंगार के रूप में किया गया। श्री जमुना प्रसाद पुजारी कुंडेश्वर धाम। यहाँ कुंडेश्वर में कहाँ कहाँ से श्रद्धालु आते हैं? कुंडेश्वर में जो है पूरे बुंदेलखंड से श्रद्धालु आते हैं। कुंडेश्वर को मिनी कैलाश कहा गया है, ठीक है ना? तो मिनी कैलाश कहा है, पूरे बुंदेलखंड से श्रद्धालु यहाँ आते हैं, अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर के आते हैं। भोलेनाथ यहाँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये सिद्ध स्थान है, साक्षात स्वयं हुए, स्वयं प्रकट हुए, अपने आप शंकर जी प्रकट हुए हैं। इसलिए जो कुंड से प्रकट हुए हैं, उखरी में प्रकट हुए कूड़ादेव, उनका सही नाम कूड़ादेव है, कुंडेश्वर कुंडेश्वर कहने लगे हैं। श्रावण का जो है दूसरा सप्ताह चल रहा है तो पूरे बुंदेलखंड से यहाँ पर कल जो है सोमवार को श्रद्धालु आएंगे। रेलिंग की व्यवस्था की गई है, चाक चौबंद पुलिस की व्यवस्था की गई है। रेलिंग द्वारा लाइन से भगवान भोलेनाथ का सबको दर्शन कराएंगे, रुद्राभिषेक कराएंगे, जलाभिषेक कराएंगे, दूध से अभिषेक कराएंगे, फूल विलत से पूजन करेंगे, सेवाचन करेंगे। सभी श्रद्धालु यहाँ पर आकर के अपनी अपनी मन्नताएँ पूरी करेंगे। जैसे महाराज जी श्रावण मास का दूसरा सप्ताह चल रहा है और दूसरे सप्ताह में लाखों लोगों की श्रद्धालुओं की भीड़ है, आखिर इस श्रद्धालु इस कुंडेश्वर धाम में ऐसा क्या है कि जो यहाँ पे इतनी भीड़ प्रतीत हो रही दिखाई दे रही है? ये साक्षात हैं, स्वयंभू हैं, स्वयं प्रकट है। ऐसा शिवलिंग आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। ये स्वयं प्रकट हुए, अपने आप प्रकट हुए हैं। इनका कोई पता नहीं है कितनी लंबी मूर्ति है। ये शंकर जी मोटे होते हैं, बढ़ते हैं, अपने आप बढ़ते हैं, मोटे भी होते हैं। इनका कोई पता नहीं है, कोई था नहीं है, ये स्वयंभू हैं, साक्षात हैं। जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर के आते हैं, भोलेनाथ उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। Thank you.
Shiva 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 Sh